गुड मॉर्निंग किड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास टेन का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था? ट्राइंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला विद गिवन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं उसी का ट्राइंगल फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा हीरो को लिख लेते हैं, विच इज माय ट्राइंगल फॉर्मूला। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ। ठीक है, ये तो हाफ हो गया। फिर एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू y3 माइनस y1 प्लस x3 विच इज y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ये मेरा x1 y1 मतलब ट्राइंगल है ए बी और सी मेरा ट्राइंगल है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 y3। तो ये यहाँ से आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट आर कोलिनियर। तो बोला है कि ये जो तीन पॉइंट हैं ये कोलिनियर हैं और इसके लिए मुझे के का वैल्यू पता करना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही लाइन में, तीन पॉइंट हैं और ये तीनों एक ही लाइन में शो करें। तो ऐसा हो जाएगा अगर तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे तो समझ लो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया उसका कितना हो जाएगा? जीरो। तो मुझे क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसके इक्वल यहाँ पर क्या कर देना है? जीरो कर देना है। ठीक है, इसी के इक्वल मुझे जीरो कर देना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो सिंपल है। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है? कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है? एक लाइन है। ठीक है, लाइन है का मतलब ट्राइंगल तो बन नहीं रहा तो एरिया उसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कोलिनियर कंडीशन क्या होती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कंडीशन समझ में आ गई होगी? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन सेज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ। अभी तो लिखा था, ये तो इतना लिखोगे ना तो आपको लिख लिख के याद हो जाएगा, पर लिखना तो पड़ेगा। देखो, देखने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये क्या है? मैथ्स है ना, तो इसमें आपको चीज़ों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ये कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैं सिर्फ वैल्यूज डालने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख लेती हूँ, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री और वाई थ्री। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, ये हाफ लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर एक्स वन का वैल्यू 7। ठीक है, ये देखो 7। वाई टू का वैल्यू भाई 1 माइनस, अब ये माइनस और एक और माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत लिखा, ये प्लस है, ये प्लस है, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देन एक्स टू का वैल्यू 5। ठीक है, वाई थ्री का वैल्यू जो है वो के है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ वाई वन इज माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे, विच इज एक्स थ्री का जो वैल्यू है विच इज 3 एंड वाई वन का वैल्यू जो है वो माइनस 2 है। ठीक है,
एंड वाई टू का वैल्यू -1। डन। आप देखो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी कितना हो गया 0। ठीक है, तो 7 1 माइनस के, तो इस 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 7 के, अब ये 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 के -10। ठीक है, और अब ये क्या उतना हो जाएगा -3, और ये कितना है प्लस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -9। ठीक है, इतना ठीक है ना। चलो तो आप ब्रैकेट को खोलते हैं, अब प्लस का 7 और ये -19। ठीक है, तो ये जो है -19 यहाँ पर, ये प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 17 -9, और यहाँ पर 7 में से जो 5 चला गया तो -2 के, तो ये जो के वाला टर्म है इसको इधर लेकर आ रही हूँ तो ये हो जाएगा 2 के, विच इज इक्वल टू 17 माइनस कर दो भाई, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 बच गया, सो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो के का वैल्यू पता करना था जो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, क्लियर, कुछ नहीं किया है ये, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है और उसके बाद तो बेसिक लीनियर इक्वेशन की तरह जैसे सॉल्व करते हैं तो वैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये तो आपको सॉल्व करना तो आता ही है। अब देखो पार्ट टू भी है इसका। ठीक है, तो पार्ट टू भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जो पार्ट टू है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे कोलिनियारिटी कंडीशन। ठीक है, कोलिनियारिटी कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन में ये सब लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो आई होप अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 देन y3 - y1 प्लस x3 विच इज y1 - y2। डन। अब ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3। डन। अब ये क्या इतने के बराबर होना चाहिए 0 के, और ये हाफ। अब देखो x1 का वैल्यू डालो, x1 का जो वैल्यू है वो कितना है भाई 8। ठीक है, y2 का वैल्यू जो है दैट इज -4, और ये कितना है -5, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। ठीक है, ये हो गया पहला। अब x2 का वैल्यू कितना है k। अब मेरे पास y3 -5, y1 -1 प्लस x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। डन, ये हो गया मेरे पास आ गया। अब बस ये इधर मल्टीप्लाई किया 0, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो माइनस का 4 प्लस का 5, तो ये तो 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर इज 8। ठीक है, अब इस k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा यहाँ पर -6 k। ठीक है, -6 k, और ये कितना हो जाएगा 5 × 2 विच इज 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो इस ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 - 6 k। अब 6 k को उधर लेकर जा रही हूँ तो 6 k इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18/6 विच इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता करना है, हुज वर्टेक्स इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो कह रहा है कि मुझे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, और ये है 0 - 1, ये है 2 1, और ये है 0 3। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है
मुझे ना क्या करना है, इनके मिड पॉइंट निकालने हैं। ये मैंने मिड पॉइंट, और अब मैंने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना होगा, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, फिर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, और उनका रेशियो पता करना है, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखो इसमें ना, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ होगा। तो मेरे पास सपोज करो ये जो पॉइंट्स है, मैं इनको नाम दे लेती हूँ डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे करूँगी? तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स को पता करूँगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबको आता है ना, x1 + x2 / 2, सेक्शन फॉर्मूला में जब हमने पढ़ा था, है ना। तो आप देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर सर। x1 + x2 / 2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, डन। अब देखो जिसको नहीं समझ में आया वो 0 + 2 / 2 विच इज इक्वल टू 2 / 2 विच इज इक्वल टू 1, ऐसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, y1 + y2 / 2 विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो देखो -1 + 1 / 2 विच इज इक्वल टू 0 / 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पता हो गए। चलो तो अब ये अगर डी का ऐसे पता कर सकते हैं, तो ऐसे ई का भी पता कर सकते हैं, ऐसे एफ का भी पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स फॉर डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो 0 + 2 / 2 विच इज इक्वल टू 2 / 2 विच इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? -1 + 1 / 2 विच इज इक्वल टू 0 / 2 विच इज 0। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 1, 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स मैं पता कर लेती हूँ ऑफ, नेक्स्ट किसका करें? ई का कर लें। चलो तो ई का कर लेते हैं, तो 0 + 0 / 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट जो है -1 + 3 / 2 विच इज इक्वल टू 2 / 2 1। तो ई का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो 0, 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे भाई? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो पहला वाला तो 0 + 2 / 2 विच इज 2 / 2 1, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 1 + 3 / 2 विच इज 4 / 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, कितना हो जाएगा? 1 एंड 2। तो अब ये तो मैंने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए हैं, ठीक है। अब तो मेरा फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। मैंने तो मेरा ई का कितना है 0, 1, और एफ का कितना है 1, 2, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, और दोनों में ही मैंने ट्राइंगल फॉर्मूला लगाना है। क्या है मेरे पास? दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों में ही मैंने ट्राइंगल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। फिर तो क्या करना है हमने, नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या करना है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ इंटू x1 विच इज, x1 के बाद हमारे पास क्या आता है? y2 - y3 प्लस ये आएगा हमारे पास x2 विच इज y3 - y1 प्लस x3 विच इज y1 - y2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो मेरे पास d जो है, दिस इज x1 x, दिस इज y1। यहाँ पर जो मेरे पास इसका पॉइंट्स था 1 एंड 2, ये है x2, सॉरी ये x2 y2, और ये मेरे पास x3 y3, क्लियर। तो चलो अब करते हैं हाफ। अब मेरे पास क्या हो गया, x1 का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया भाई? 1, और y2 का वैल्यू मेरे पास हो गया है, y2 का वैल्यू 2, फिर मेरे पास कितना हो गया? माइनस का 1, ठीक है। प्लस x2 मेरे पास कितना हो गया? x2 मेरे पास हो गया 1, y3 मेरे पास हो गया, y3 इज 1,
एंड वाई वन इज 0 प्लस एक्स थ्री तो 0 हो गया, तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो हाफ ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा मल्टीप्लाई होने के बाद 1, सो दिस बिकम्स 2/2 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब बड़े वाले ट्राइंगल का हम निकाल लेते हैं एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब उसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, भाई फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम रहेगा पर हम लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी और फॉर्मूला हमें याद भी हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। दिस इज, ये जो सेकेंड टाइम मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ये ऑप्शनल है, बट आई सजेस्ट कि अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो अब मेरे पास कौन सा है, दिस इज माई एक्स वन वाई वन, दिस इज माई एक्स टू वाई टू एंड दिस इज माई एक्स थ्री एंड वाई थ्री, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 है जो मिस हो गया, ठीक है। तो अब बस इसमें वैल्यूज डालना है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखो हाफ, ठीक है, एक्स वन का वैल्यू, भाई एक्स वन का वैल्यू 0, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो नहीं लिख रही, ठीक है। अब एक्स फिर है मेरे पास एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू 2, वाई थ्री, वाई थ्री इज 3 माइनस वाई वन, वाई वन इज माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा। फिर मेरे पास है नेक्स्ट एक्स थ्री, एक्स थ्री भी 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये 4, 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 विच इज 4 स्क्वायर यूनिट, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहा है रेशो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो भाई रेशो फाइंड कर लेते दोनों ही, तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज 1/4, तो कितना हो जाएगा 1:4, कितना हो जाएगा भाई 1:4। क्लियर है इतना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को कह रहा है ए फाइंड द एरिया, चल लेते हैं एक सेकंड, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्सेस आर टेकन इन ऑर्डर दस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वर्टेक्सेस दे रखे हैं, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए का -4 -2, बी का -3 -5, सी का 3 -2, ठीक है, और जो डी है उसका 2 है 3। तो अब कह रहा है कि ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एरिया मुझे पता करना है, ठीक है। तो भाई देखो मैंने क्या किया है, एक डायगनल ड्रॉ कर दिया है ए सी, तो मेरे पास अब क्या हो गए हैं, दो ट्राइंगल्स बन गए ए बी सी और ए डी सी। तो मैंने दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया पता कर लेना है अलग अलग करके। तो सबसे पहले मैंने लिख देना है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला विच इज हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 विच इज y1 माइनस y2, ठीक है। अब ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पता कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का मैं पता कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाफ हाफ माइनस 4, मैं सीधा लिख दूँ -4 -5 +2 -3 -2 +2 3 -5 +5, डन, ये है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप सॉल्व करेंगे अगला वाला मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। सो दिस इज, ये कितना हो जाएगा भाई, ये बचेगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, चलो 0 लिख देते हैं,
ये हो जाएगा 3 बचेगा प्लस का और ये भी प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 9। सो 12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब दूसरा जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, हाफ। अब देखो एक्स वन मेरा कितना है, दिस इज माई एक्स वन वाई वन, दिस इज माई एक्स टू वाई टू एंड दिस इज माई एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है, ऐसे कर लें। तो चलो ऐसे कर लिया, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, अब मैं सिर्फ वैल्यूज डाल देती हूँ, -4, फिर मेरे पास आ रहा है -2, -3। आई होप अब तक तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा, है ना, तो वही कर रही हूँ मैं। डन। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज 3, जो एक्स का वैल्यू है 3, देन उसके बाद है मेरे पास 3 प्लस 2, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2, देन नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा प्लस, फिर एक्स का वैल्यू 2, एक्स 3 का वैल्यू 2, फिर ये हो जाएगा वाई वन इज -2 और फिर माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ। अब ये देखो माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, 5 और ये 3, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 0। अब 20 और 15 कितना हो जाता है भाई, 35, 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहा था कि मेरे को पूरा एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब दोनों ट्राइंगल्स को ऐड कर देती हूँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, 221 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 56/2 विच इज इक्वल टू 28 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 28 स्क्वेयर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों।